क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए. पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 रुपीस कॉइन. ठीक है, ये गुल्लक में 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 100. और 51 रुपी कॉइन, एक रुपये के सिक्के कितने हैं, 50. 22 रुपीज कॉइन, और 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 20. एंड 10 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 10. तो टोटल सिक्के कितने हो गए, 100, 50, 150 हो गया, 20 ऐड करेंगे, 170 और 10, 180. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 180. कुल सिक्के कितने हैं, 180. इफ़ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स, तो इक्वली लाइकली तो ये कंडीशन है, जो भी प्रॉबर्टी आपकी है यहाँ पे, आउटकम्स सारे क्या होने चाहिए, इक्वली लाइकली. तो टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 100 हो गया. तो वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट, एक सिक्का बाहर गिरता है जब बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन. तो जब गुल्लक को आप उसे उल्टा करके लाते हैं तो एक सिक्का गिरता है. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन, तो सिक्का 50 पैसे का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, और 5 रुपये का सिक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो यहाँ पे कम्प्लीटली इवेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे. ठीक है, देखिए 50 पैसे कॉइन, टोटल कॉइन मिल गया आपको, टोटल पॉसिबल आउटकम 180. 50 पैसे का कॉइन कितने हैं, 100. तो 100 बाई 180, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 10 बाई 18, तो 5 बाई 9. तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 5 बाई 9. विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, तो 5 रुपये के सिक्के नहीं होने चाहिए, तो 5 रुपये के सिक्के नहीं होंगे, तो 5 रुपये सिक्के काउंट मत करिए, ये 100, ये 50, 150, ये 20, 170, ठीक है. तो 170 ऐसे सिक्के हैं जो 5 रुपये के नहीं हैं, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 180. तो 170 बाई 180 हो जाएगा 17 बाई 18. इसका आंसर ये हो गया. और कम्प्लीमेंट्री वाइज करने चाहेंगे तो पहले 5 रुपये कॉइन का प्रॉबिलिटी निकाल लीजिए, कितना है, 10 सिक्के हैं, तो 10 बाई 180, तो हो जाएगा 1 बाई 18. फिर नॉट ई का आप कम्प्लीमेंट्री इवेंट का निकालेंगे तो 1 से माइनस करना पड़ेगा, 1 से जब माइनस करेंगे 1 माइनस 1 बाई 18 हो जाएगा 17 बाई 18. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो जो गिवेन वो लिखते हैं, तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 50 नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 100. फिर नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितना है, ये 50. ठीक, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, ठीक है, इज 20. नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज 10. हो गया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन दीजिएगा 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 इज 180. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी द कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन, पॉइंट विल बी कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन. ठीक है, तो इवेंट कुछ मानना तो इवेंट मान के कर सकते हैं, और या डायरेक्टली आप वर्ड में भी लिख सकते हैं. इसको इवेंट आप यदि मान रहे हैं ई, तो क्या इवेंट हमारा, कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन, ये हो गया. इसका फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं,
यहाँ लिखिएगा फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट टी इज 100, सॉरी 100, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 180, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 100 बाई 180, 10 बाई 18 इज 5/9 आंसर, ठीक है, 5/9 इज आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नाउ सेकेंड पार्ट, दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एफ मानते हैं इवेंट को, एफ ले लिया। क्वाइन विल नॉट बी अ रुपीज 5 क्वाइन, तो कितने हैं ये, 100 प्लस 50 प्लस 20, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट एफ, तो ये कितना है आपका 170, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 180, ठीक है, 180, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, आप पहले फार्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है, फार्मूला के लिए मैंने जगह छोड़ दिया। यहाँ फार्मूला आप लिख सकते हैं, जो फार्मूला गिवन है, फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई और टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो फार्मूला है बुक में वो लिखेंगे। इसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे, 170/180 सिंप्लीफाई करेंगे, 17/18 आंसर, ठीक है। और इसको आप कम्प्लीमेंट्री इवेंट से भी करना चाहें तो इसी को कैसे करेंगे, कम्प्लीमेंट्री इवेंट से, और सेकेंड मेथड है हमारा। तो हम क्या करें, यहाँ पे एफ को ये मान लेते हैं, क्वाइन विल बी अ 5 रुपीज क्वाइन, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 10, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 180, लिख लीजिएगा स्टेटमेंट। फार्मूला लिखेंगे इसके बाद, ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है फार्मूला का। वैल्यू पुट करेंगे, 10/180 इट इज 1/18, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वाइन विल नॉट बी अ 5 रुपीज क्वाइन, तो उसे किससे डिनोट करेंगे, एफ बार से। वी नो दैट एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट एफ इक्वल टू वन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट एफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ 1-1/18 इज 17/18 इज आवर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। गोपी बाय अ फिश, ठीक है, गोपी एक फिश मछली खरीदती है फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, ठीक है, वो एक्वेरियम अपने एक्वेरियम के लिए, सॉरी अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश, द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश, शॉपकीपर टेक आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक, ठीक है। तो जो दुकानदार है वो एट रैंडम एक फिश जो है अपने टैंक से निकालता है, और जिस टैंक में कंटेनिंग 5 male fish एंड 8 female fish, और उस टैंक में 5 male fish हैं और 8 female fish हैं, सी फिगर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फिश है वो मेल फिश होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हैं, मेल फीमेल मिला के 5 + 8 = 13, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया 13, और हमारा इवेंट है फिश इज मेल फिश, ठीक है, फिश इज मेल फिश, फिश इज मेल, ये हमारा इवेंट है, और टोटल नंबर ऑफ मेल फिश कितने हैं, 5, तो 5/18 हो जाएगा। तो इजी था क्वेश्चन ही।
ठीक है, तो स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ फिश इन अ टैंक, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश इन अ टैंक, ये हो गया आपका 5 + 18 = 13, यही आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया, ये लिख लीजिएगा। और नंबर ऑफ मेल फिश ये गिवन है 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश ये आपका 8, ठीक है, और ठीक इसमें आपको इवेंट क्या करना है, फीस ऑफ फीस इज मेल, ये हमारा इवेंट हो गया। और इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 13, ये लिख लीजिए स्टेटमेंट, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 13, फेवरेबल आउटकम्स इज 5, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, फॉर्मूला पुट करिए पूरा, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 5/13, इट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो, ठीक है, एक गेम हम खेल रहे हैं जिसमें क्या कर रहा है, कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कंसिस्ट ऑफ रेस्ट विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटेड वन ऑफ द नंबर, इस तरह से एक गेम है जिसमें एक एरो है स्पिनिंग घूम रहा है और रेस्ट होने पे ये 1 to 8 ये नंबर हैं किसी एक पे ये पॉइंट करेगा, 1 to 8 नंबर है स्पिनिंग एन एरो, एरो घूम रहा है और रेस्ट होने पर 1 to 8 में किसी एक नंबर को ये पॉइंट करेगा, दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है कंडीशन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट विल बी 0.8, तो टोटल पॉसिबल हमारा आउटकम कितना है 1 to 8, तो 8 हो गया, इट विल 0.88, इवेंट जो है एरो जो है वो 0.8 को क्या करना चाहिए, पॉइंट करना चाहिए 8 को पॉइंट करे, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने 8 कितनी बार इसमें एक बार, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी 8 8 बार, तो हो जाएगा 1/8 इसका इवेंट का, ये सारे इवेंट चार इवेंट है ई1 ई2 ई3 ई4 ले लेंगे, तो ई1 का जो प्रोबेबिलिटी आपके आगे 1/8, ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने इसमें 4, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2 4 6 8, ये चार नंबर जो हैं वो हमारा ऑड नंबर, सॉरी ऑड की बात हो रही, सॉरी इवेंट मैंने बोल दिया, 1 3 5 7 1 3 5 7, ये 4 हमारे ऑड नंबर हैं इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4, और टोटल 8 है तो 4/8 1/2 हो जाएगा, नंबर ग्रेटर देन 2 दो से बड़े नंबर कितने हैं 3 4 5 6 7 8, काउंट करेंगे कितने आएगा 6, तो नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2 फेवरेबल आउटकम्स इज 6/8 हो जाएगा ये 3/4, नंबर लेस देन 9 सब सारे नंबर लेस देन 9 है तो इसका फेवरेबल आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स दोनों बराबर हो जाएंगे 8, ये श्योर इवेंट हो गया, तो इसका हो जाएगा 8/8 1, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है क्या क्या लिखना है, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर हैं, टोटल नंबर्स, ठीक है टोटल नंबर्स कितने हो गए 8, यही हमारा पॉसिबल आउटकम्स हो गया, यहाँ क्या लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 8, ठीक है ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 8। अब आते हैं इवेंट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट इज इवेंट इवन लेते हैं, इवेंट इवन का क्या मीनिंग है, एरो पॉइंट एरो पॉइंट्स एट नंबर 8
पीएम ने इवेंट ले लिया। इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं? फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रिलेटेड टू पॉइंट इवेंट ईवन कितने हैं? वन है। टोटल पॉसिबल आउटकम इज एट। तो यहाँ आप फॉर्मूला लिख लीजिए एक लाइन में, सेकेंड में इसकी वैल्यू 1/8। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए, इसको इवेंट हमने E2 लिया है और क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में? एरो पॉइंटेड ऑड नंबर, एरो पॉइंट्स एट ऑड नंबर, ये क्या है? एन, एन ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ऑड नंबर 1, 3, 5, 7। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ लिखेंगे कितने हो गए? 4। टोटल पॉसिबल आउटकम इज 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 या फॉर्मूला, और उसके बाद यहाँ आंसर 4/8 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। आगे थर्ड पार्ट, यहाँ पे आप अब इवेंट E3 लेते हैं, कंसीडर किया है नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, एरो पॉइंट, एरो पॉइंट एट और नंबर ग्रेटर देन 2। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या क्या हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, एरो पॉइंट एट और नंबर ग्रेटर देन 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं यहाँ पे? 6। टोटल आउटकम्स इज 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 कितना हो जाएगा? फॉर्मूला ये 6/8 और ये हो जाएगा आपका 3/4। तो ये हो गया थर्ड सॉल्व। अब फोर्थ पार्ट में आते हैं, तो यहाँ पे इवेंट आप E4 मानिए और क्वेश्चन क्या है? नंबर लेस देन 9, एरो पॉइंट्स 8 और नंबर, ठीक है, लेस देन 9। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन 9, और ग्रेटर के लिए ये वाला साइन यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे था। ठीक है, ऐसे तो वर्ड में लिखना चाहिए, सिंबल में लिखना चाहिए, लिखना चाहते हैं जिसमें लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 8, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 8। फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 8/8 इज 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। ठीक है, देखिए ड्राई थ्रो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, सेकेंड नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स एंड द ऑड नंबर। डाई थ्रो करेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 to 6, 6 हो जाएगा। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें? 2, 3, 5। 3 हो गया 3/6, 1/2 हो जाएगा। नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, 2, 6 को छोड़कर 3, 4, 5, यहाँ भी 3/6, 1/2 है। ऑड नंबर हमारा 1,
5, यहाँ भी 3/6, तीनों का आंसर 1/2 आ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वेन डाई इज थ्रोन वंस, तो पॉसिबल आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 6, ये सब लिख देंगे स्टेटमेंट। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे, क्या हमने कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर इवन, इवन भी क्या हो गया अ प्राइम नंबर। ठीक है, इवन भी अ प्राइम नंबर, तो सबसे पहले आप प्राइम नंबर लिखेंगे, कौन कौन सा है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2, 3 एंड 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 3, सॉरी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 6, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 3/6 इज 1/2 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और सेकेंड पार्ट ई टू भी क्या करें, ऑड नंबर है, नहीं, नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 बी अ नंबर लाइंग, बी अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, सिंबल के फॉर्म में क्या ले सकते हैं इसको, 2 एंड 6। ठीक है, ई टू बी ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो ये हमारा इवेंट हो गया। तो इसके जो आउटकम से क्या क्या हो सकते हैं, 3, 4, 5, हाँ 6 नहीं हो सकता, 2, 3, 5 आर पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 3। ठीक है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3, ये फेवरेबल आउटकम्स है रिलेटेड टू इवेंट ई, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 6। ठीक है, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी का, फॉर्मूला जब लिख लेंगे तो वैल्यू पुट करिएगा 3/6, तो हो जाएगा 1/2, और ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट, लेट ए3 बी क्या है, ऑड नंबर एंड ऑड नंबर, ए3 बी एन ऑड नंबर। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या क्या है इसके इवेंट का, ए3 से तो आउट हो जाएगा 1, 3, 5, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 3, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6। ठीक, फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करेंगे 3/6 इज 1/2 इज आंसर। ठीक है, ये हो गया, और ठीक है तीनों तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड, एक कार्ड निकाला जा रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। ठीक है, फोर्थ में है जेक ऑफ हार्ट और स्पेड अ क्वीन ऑफ डायमंड, तो ये 6 पार्ट गिवेन है, सबको E1, E2, E3, E4, E5, E6 ले लेंगे। ठीक है, ओवरली देखिए कर रहे हैं हम, किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में कितने किंग होंगे, 2, एक आपको डायमंड का मिलेगा और एक हार्ट का मिलेगा, एक डायमंड का एक हार्ट का। ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं पान का और ईट का। ठीक है, राजा मिल जाएगा आपको, तो 2 मिलेंगे, तो 2/52 1/26 हो जाएगा। फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड हर एक
ठीक है। तो इसमें टोटल जो चार ग्रुप हैं 52 कार्ड में, ठीक है, जिसमें 13 कार्ड हैं, तो हर एक ग्रुप में कितने फेस कार्ड हैं? तीन, किंग, क्वीन और जेक, टोटल ग्रुप है चार, तो हो गया 12 फेस कार्ड हो गया, 12 by 52 सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपका 12 by 52 कन्वर्ट हो जाएगा, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे 3 by 13, 3 by 13। रेड फेस कार्ड, ये तो दोनों रेड और ब्लैक दोनों मिला के था, रेड में एक डायमंड में 3 फेस कार्ड हो जाएगा, एक आपका डायमंड और हार्ट, हार्ट में 3 फेस कार्ड आ जाएंगे, तो हो जाएगा 6 by 52, और इसको 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 by 26, ठीक है। जेक ऑफ हार्ट, हार्ट हार्ट में जेक कितने होते हैं? सिर्फ एक, तो 1 by 52। स्पेड, स्पेड चार ग्रुप में से एक ग्रुप का नाम है, तो इसमें कितने कार्ड हैं? स्पेड के 13 कार्ड है, 13 by 52 हो जाएगा 1 by 4। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में कितने क्वीन है? सिर्फ एक, तो 1 by 52, तो अर्ली मैंने कर दिया है, चलिए अभी लिख के दिखाते हैं, ठीक है, अर्ली कर लिया, अब रिटर्न करके दिखाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड है 52, ये जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। आते हैं, अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट, तो जो ये क्वेश्चन पूछा है ना, कार्ड विल बी अ किंग ऑफ रेड कलर, इसे इवेंट इवन मान लेंगे, और किंग ऑफ रेड कलर दो होंगे, एक डायमंड और ईट में, टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 52। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 by 52 इज 1 by 26, 1 by 26 ये हो गया। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, इसको इवेंट आप E2 मान लीजिए, कार्ड विल बी अ फेस कार्ड, ठीक है। तो फेस कार्ड किसका किसका होगा? हर एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इज 12, टोटल आउटकम इज 52। E2 जो है ये आ गया 12 by 52, ये 4 से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 3 by 13, 3 by 13 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, इसको इवेंट D3 आप कंसीडर कर लीजिए, कार्ड विल बी अ रेड फेस कार्ड, ठीक है, रेड फेस कार्ड, रेड कलर का फेस कार्ड होना चाहिए, दीदी यहाँ टोटल 12 जो था वो टोटल फेस कार्ड है, और रेड कलर कितने हैं? एक डायमंड में, 3 डायमंड में और 3 आपको हार्ट में, दी हो जाएंगे 6, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 52, और इसकी फॉर्मूला लिखना है, और इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे 6 by 52, ये कितना हो जाएगा 3 by 26 आ गया। अब फोर्थ बार देखते हैं, फोर्थ पार्ट में देखिए कार्ड क्या होना चाहिए, जेक ऑफ हार्ट, तो आप इसको E4 कंसीडर कर लेंगे इवेंट को, और जेक ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट, हार्ट जो ग्रुप है डेक में, उसमें जेक मीन्स गुलाम कितने आएंगे? सिर्फ एक, टोटल कार्ड इज 52, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है, फार्मूला लिखने के बाद लिखिएगा 1 by 52, 1 by 52 आंसर। और अब आते हैं फिफ्थ पार्ट, इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, E5, स्पेड, स्पेड, ठीक है, क्या बोला, कार्ड विल बी ए स्पेड, स्पेड ग्रुप है, इसमें टोटल 13 कार्ड हैं, ये हो गया टोटल कार्ड, और जब इसका प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे E5 का,
तो 13/52 ये 1/4 ठीक है। फिफ्थ पार्ट हो गया सिक्स पार्ट, इसको आप E6 कंसीडर कर लीजिए, क्वीन ऑफ डायमंड, कार्ड विल बी अ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में कितने क्वीन है, सिर्फ एक, टोटल कार्ड 52, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो हो गई, फॉर्मूला लिखने के बाद लिखिएगा 1/52। कार्ड के बारे में मालूम है तो आप आसानी से कार्ड के प्रॉबर्टी क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है। अगला भी क्वेश्चन कार्ड का ही है ठीक है। फाइव कार्ड 10 J Q King S ऑफ डायमंड आर वेल सफर विथ देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज देन पिकअप एट रैंडम, एक कार्ड निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रॉबर्टी दैट द कार्ड इज क्वीन, क्वीन की प्रॉबर्टी, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड ठीक है, क्वीन को निकाल के अलग रख दिया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिकअप इज एन एक, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी और क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी ठीक है। ठीक है तो ये भी देखिए ओरली इजी क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 5, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया 5, एक कार्ड निकाला जा रहा है क्वीन का, तो क्वीन कितने हैं 1, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1, तो 1/5 इसका आंसर हो गया। क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, एक एक जो कार्ड है क्वीन का वो निकाल के अलग रख दिया गया है ठीक है, पुट असाइड, तो क्या हो गया प्रॉबर्टी देर द सेकेंड कार्ड, तो अब कार्ड कितने बचे 4, सेकेंड कार्ड क्या होना चाहिए एक का एस का, तो एस का कितने कार्ड एक है, तो 1/4 क्वीन है इसके अंदर, अब क्वीन नहीं है, तो क्वीन नहीं है तो 0/4 इज 0, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे।